चालक परिचालक संघ सिवनी ने आज सभी बस मालिकों से भेंट की गई, जिसमें उन्होंने चालक परिचालक की पूरी मांगे नहीं होने तक बसें चालू न करने की बात कही है। संघ के मीडिया प्रभारी सुनील डेहरिया ने बताया कि कई दिनों से चालक परिचालक संघ यह मांग कर रहा है कि मध्य प्रदेश शासन 7,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने का मानदेय दे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सभी चालक परिचालक घर में ही हैं। ऐसी परिस्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो चुकी है। इसी बात को लेकर सिवनी जिला कलेक्टर को 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष दिनू डेहरिया के द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय और परिवहन मंत्रालय में भी इस बाबत ज्ञापन दिया है, परंतु हमारी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ऐसी स्थिति में चालक परिचालकों ने तय किया है कि अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक गाड़ी पर नहीं जाएंगे। इसी तारतम्य में चालक परिचालक संघ आज बस मालिकों से मिला, जिसमें जबलपुर संभाग के बस मालिक भी शामिल थे। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।